So नहीं, I, पर सेटिंग क्या, आप देखेंगे तो मुझे पता चलेगा ना जिसको आप कह रहे हैं। द वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट वी आर मेकिंग अ ड्रामा राइट, इट्स अ शो, इट्स अ फिक्शन सीरीज, व्हाट विल बी द रोल प्ले ऑफ द नेगेटिव फोर्स इन द शो इफ दे विल नॉट हाईलाइट द थिंग्स विच आर गोइंग टू टर्न रॉन्ग और मेक दे आर वीकर, व्हाट विल बी देयर रोल? They are doing exactly the things which are making your main lead uncomfortable. They are playing on these cards only. नहीं, और सेम चीज उन्होंने की मुंह दिखाई पे, जहां उन्होंने उसको गोल्ड डिगर तक बोला, ये किसी ने बोला ही नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की किसी ने। द सेम थिंग्स दे आर डूइंग, मुंह दिखाई पे चिढ़ा रहे हैं, फर्स्ट नाइट पे इस तरह चिढ़ा रहे हैं, हनीमून बोल के चिढ़ा रहे हैं, कुछ हो तो रहा ही नहीं है। इट्स जस्ट वर्ड जो आप कह रहे हैं ना, वी आर यूजिंग द वर्ड जो हम घरों में यूज करते हैं, नट Thing beyond that. And after the show, normal people, the 10-year-old kids, they are also telling, there has been incident, there are a lot of comments that the kids are telling their parents that humein bhi shaadi karni hai, watching after the show. Haan. So there, yeah, there has been a lot of comments that our kids are saying, mama, humein bhi shaadi karni hai. So what do you have to ये जो आप बोल रहे हैं ये मैंने इन जनरल इस तरह भी देखा है कि जब जो आप बोल रहे हैं घरों में जब शादी होती है, जेवर आते हैं, कपड़े बनते हैं, जब एक बहुत अटेंशन मिलता है चीज़ों को, तब भी बच्चे बोलते हैं शादी में इतनी सारी चीज़ें मिलती है, मेरी भी शादी करा दो। मेरी थिंक कुछ चीज़ अगर आप देखते हो बच्चे के अपने पर्सपेक्टिव से बोलते हो, और हम समझाते हैं कि एज होती है ये नहीं होती है, यही चीज़ वो यहाँ दिखा रहा है। हम शो में भी यही समझा रहे हैं कि ये एज नहीं है, ये सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से ये हुआ है। पर हम वापस उस पर आ रहे हैं ना कि हम कोई ऐसा सीन दिखाएं तो किसी की साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़े ना, हम तो उसको दिखा ही रहे हैं, दोस्त है, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है, रोमांस कर रहा है, हनीमून मना रहा है लंदन जाके, लंदन जाते तो हम भी जाते ना, बट ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसकी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एंड द बोल लीजिए या करेक्ट एनवायरनमेंट फॉर द किड ऑन द सेट, यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ वेरी वेल। So that's very important for us as well, because he's shooting day and whole day with us, his parents or including us, we all are responsible for the kids, you know, welfare or health or mindset or everything. We are constantly working on that. It's not that we are just asking him to shoot, just say the lines and go away. No, we are just handling that age very well, I can say. This is a, I think we are in profession, we are going to make the shows which we feel that will deliver, right? First of all, not this show only, every show. And for the concept selection, this is the last thing we think ever. It's going to be a hit. No. We love to tell the stories which we love to create. Mm-hmm. Simple. Except this, उसकी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज सिर्फ पहरेदार पी है। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट वी रियली वांट टू नो कि सिद्धार्थ के टेंशन की न्यूज़ जब से वो शो शुरू हुआ है तब से आ रही है यार, उसके लिए अलग से लाइमलाइट दो ना थोड़ी यार, दो अलग अलग न्यूज आएंगी तो कितना अच्छा लगेगा। हमारे जैसे प्रोड्यूसर कभी, आई स्वेयर, कभी इतने सारे माइक्स और कैमरास प्रोड्यूसर्स पे लगे नहीं है। लेट अस चेरिश दैट, यू नो। कौन आ गया जी वापस? घर की बात है, अलग से कर लेंगे यार कि वापस आता। लेट्स नॉट डिविएट आवरसेल्व्स, लेट्स टॉक अबाउट पहरेदार। पूरा तो बोल दें दिया की ये तीसरा मुद्दा हो गया। वापस गाना पड़ेगा पहरेदार। Yeah.
सर हम तो इस मामले में पूरा डे बाय डे कोर्स के साथ जाना चाहेंगे, इतना एडवांस में हम सोचना नहीं चाहते हैं। हमारा इस वक्त फ़र्ज सिर्फ इतना है कि हमारे फैक्ट सामने रखना, जैसे हम आज आपके सामने रख रहे हैं वैसे ही हम बीसीसीआई के सामने भी रखना चाहेंगे, मिनिस्ट्री के सामने भी रखना चाहेंगे। उन्हें भी रिक्वेस्ट एक ही बात की करेंगे कि एक बार आप प्लीज़ कॉन्टेंट देख लीजिए, उसके बाद जो भी उनका निर्णय होगा वो सर आँखों पर, और उसके बाद का जो भी डिस्कशन है वो उसके बाद होगा, अभी से करने का कोई लॉजिक ही नहीं है उसको। सो आई थिंक वी आर टुगेदर एंड इन ग्लव, सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कॉन्टेंट एंड दे आर एंड दे नो व्हाट वी हैव रिटन। हमने मतलब वो तो हमारे एपिसोड देखते हैं और कोई देखे ना देखे, सो दे नो कि हमने ऐसी कोई चीज लिखी ही नहीं है जो गलत है। यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। नहीं अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया हाँ तो थोड़ा अभी मतलब ऐसे करना पड़ रहा है। वी डोंट ओवर ईट नाउ, मतलब आई तो डोंट प्रीफर टू ओवर ईट, सो इट्स लाइक ओवर ईटिंग नाउ, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू जस्ट यू नो डिफ्यूज इट। सो बैकलैशिंग से घबराने वाला कोई मुद्दा नहीं है, ना हम उससे डरते हैं, बिकॉज वी नो आर जॉब इज़ गुड एंड ऑनेस्ट, सो दैट्स नॉट द पॉइंट। बस सिर्फ ये है कि जो एक कॉमनली हम देखते आए हैं आज तक शायद कि सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना अफवाहें फैलती हैं, सो ये बैकलैशेस से हट के अब चीज़ें अफवाहों का रूप बड़ा ले रही हैं, सो उसे ही एक कन्वर्ट करने की एक कोशिश है ये कि हम मैम अभी राइट नाउ द मीटिंग इज़ गोइंग ऑन बिटवीन IFTPC एंड ब्रॉडकास्टर, राइट नाउ इट्स ऑन एंड आई हैड टू स्किप दैट, आई सेड सॉरी टू माय टीम फेलो मेंबर्स प्रोड्यूसर्स एंड आई एम हियर, सो आई डोंट थिंक आई हैव द राइट इन्फॉर्मेशन टू शेयर राइट नाउ। बैंक बैलेंस और एपिसोड ब्रॉडकास्ट हाँ मैं तो घबरा गया, मैंने बोला अभी बैंक बैलेंस भी बताना पड़ेगा, ऑफिस में अकाउंट वाले को पूछना पड़ेगा। सो वी आर ट्राइंग टू ऑफकोर्स क्रिएट द बैंक एट आर एंड ऑफकोर्स, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट ऑडियंस टू फील दैट दे हैव नॉट सीन द एपिसोड विच दे आर वेटिंग फॉर आई होप, सो वी आर क्रिएटिंग द बैंक फॉर द एपिसोड। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.